हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एमके में। दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक भर्ती परीक्षा ली जाने वाली है उसका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहने वाला है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो देखिए, बीपीएससी जो एग्जाम ले रहा है तो इससे पहले तो वो जो है स्टेट लेवल का जितने भी बड़े बड़े अधिकारी जैसे SDM DSP इस सबको रिक्रूट करने के लिए वो संस्था है, तो उसके हवाले जो एग्जाम किया गया है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, उसका जो लेवल है वो रहेगा ही रहेगा। और वो जो क्वेश्चन को डेप्थ में पूछता था, मैथ से जोड़ करके पूछता था, कॉन्सेप्ट में पूछता था, लगभग आपको यहाँ भी वो चीज देखने को मिलेगा। मैं आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आपको आगाह करने आया हूँ क्योंकि ये मौका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बार बार नहीं आता। ये पॉलिटिकल ड्रामा, बहुत सारे लाठी डंडे प्रोटेस्ट होने के बाद ये बहाली आई है। ये जो सातवां चरण है ये देख ही रहे होंगे कितने साल से लटका हुआ था, फिर आठवां चरण लगभग लगभग पता नहीं सपने में ही पूरा होगा। तो इस तरह से इस मौके का आप कैसे भरपूर फायदा उठाएंगे, आपकी जीके जीएस की तैयारी कैसे बूस्ट होगी, किस तरह से आप अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप जीके जीएस की तैयारी बिना मैप को पढ़े कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का एग्जाम है या फिर उनके द्वारा जो भी एग्जाम दिए जाते हैं उसमें आपको वो चीज देखने को मिलेगा कि वो क्वेश्चंस को, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको वो मैप से जोड़ करके ही पूछता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपके लिए एक मैप का नोट तैयार किया हूं जो मात्र 12 पेज का है, 10 पेज 12 पेज। तो 10 पेज में हमने आपके लिए एक छोटा सा PDF तैयार कर दिया है। अब आपको अगर मैप का पहले से नॉलेज है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप इस PDF को देख करके जाइएगा, तब आपका बहुत ही ज्यादा उसमें हेल्प मिलेगा और दूसरे सब्जेक्ट को भी पढ़ते वक्त आपको वो चीज समझ में आएगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ पर जैसे हम पृथ्वी है तो ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में तो डायरेक्ट हेल्प करेगा लेकिन पॉलिटी में भी। और देखिए, जैसे पॉलिटी में आप अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो अमेरिका का ग्लोब पर आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना कि अमेरिका है कहाँ पर। या फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हरियाणा में पानीपत में जो है लड़ाई हुई, अब हिस्ट्री में पानीपत देख रहे हैं तो पानीपत का लोकेशन हरियाणा में, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो मैप आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करता है। तो उसी के बिहाव पर मैंने एक शॉर्ट नोट तैयार किया है जिसमें आपको पृथ्वी से स्टार्ट किया, ग्लोब से, क्योंकि ये इंडियन मैप का नोट है तो इसमें वर्ल्ड का ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन स्टार्ट हमने पृथ्वी से किया क्योंकि बेस लेकर के ही चलना पड़ता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर इंडिया का मैप स्टार्ट होगा जिसमें आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, यानी ऊपर से स्टार्ट किया, भारत के जो विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख से स्टार्टिंग किया है। उसके बाद आपको पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की पूरी चर्चा हमने एक अच्छे वे में किया है जिसमें आपको उसका लोकेशन भी देखने को मिलेगा, उससे संबंधित कुछ जीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जैसे देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश है, अब जम्मू कश्मीर के नीचे है, अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हमने दे दिया। नीचे आपको उत्तराखंड का मैप दिख जाएगा, उत्तराखंड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा, गंगा के बारे में, उत्तराखंड से कब और किससे अलग होकर बना था उत्तराखंड, तो 9 नवंबर 2020 को जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। तो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी चीजें। पंजाब के बारे में, पाकिस्तान के पंजाब का क्या है स्थिति, यहाँ पर कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावि, सतलज, व्यास, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये मौका अगर चला जाता है तो आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। समय रहते इस चीज को अवश्य देख लीजिएगा। मैं आपको ओवरऑल पूरा PDF दिखा देता हूँ। जैसे अगले पेज में हरियाणा है, राजस्थान है, उसी तरह से अगले पेज में देखेंगे बिहार है, अपना पलटू चाचा है, इसका तो हम फोटो नहीं लगाने वाले थे लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हमारे चीफ मिनिस्टर है तो लगाना पड़ा हमको फोटो। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए, कोसी नदी के बारे में आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी, मधुबनी पेंटिंग हो गया, सिक्किम हो गया, देखिए जहाँ पर जैसे सिक्किम है तो सिक्किम का आपको यहाँ पर मैप देखने को मिलेगा, ये चिकन नेक देखने को मिलेगा, इसको मुर्गे की जो गर्दन की तरह चिकन नेक है जिससे हमारा सातों राज्य जुड़ा हुआ, इस सब के बारे में जानकारी रखना पड़ेगा आपको। चिकन नेक से क्वेश्चन आता है, चिकन नेक, देखिए चिकन नेक इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि 7 राज्य इस तरह से जुड़े हैं कि अगर कभी भविष्य में इस पर युद्ध होता है, चाइना इसको काट देता है, तो ये हमारा 7 राज्य अलग हो जाएगा, इसलिए इसको चिकन नेक बोला जाता है। तो ये सब डिटेल्स जो है आपको जानना बहुत जरूरी है। भूटान में हमारे ही सेना वहां पर रक्षा कर रहे हैं, भूटान को हम सैन्य मदद देते हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी बहुत ही जरूरी है। ये 8वां पेज में देख लीजिए, यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर चाइना हमेशा विवाद करता रहता है करंट अफेयर से जोड़ेगा, अब करंट अफेयर से जोड़ेगा आपसे पूछेगा कि चाइना का हाल ही में विवाद कहाँ पे हुआ था, आपको ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा जो बॉर्डर से सटे इलाका है। देखिए चाइना का विवाद है तो बिहार ऑप्शन में है तो आप उसको टिक नहीं कीजिएगा, ये मैप के नॉलेज से,
इलिमिनेशन मेथड, जब हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो तो हम गलत आंसर को छांट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, उसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास अगर नॉलेज होगा तो आप वहां तक अवश्य पहुंच जाओगे। देख लीजिए ये कुछ इस तरह का पीडीएफ है। अगला पेज में हम यहाँ पर आपको झारखंड, झारखंड के अलावा जितनी भी राज्य है, जैसे यहाँ पर ओडिशा है, मिसाइल परीक्षण यहाँ पर भुवनेश्वर, और जितनी भी अधिकांश मिसाइल परीक्षण है वो समुद्री इलाके में क्यों किया जाता है, ये सारी डिटेल्स है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। अगले पेज में देख लीजिए, जैसे गुजरात है, गुजरात से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ। उसके अलावा आपको मैं दिखा दूं कि हाल ही में जो है श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 छोड़ा गया था, तो उसका लोकेशन क्या है, उसके बारे में भी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये मैप आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर आप खास करके बीपीएससी के थ्रू लिए जाने वाले एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। ये मौका आप मत गवाइएगा, इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को बनाने का और जो पीडीएफ मेकिंग टाइपिंग कॉस्ट है वो मात्र 30 रुपए रखा गया है, आपसे ज्यादा पैसा नहीं लिया जा रहा है, आपका हेल्प किया जा रहा है। समय रहते मैं इस नोट्स के, थोड़ी देरी तो हुई लेकिन एक बेहतरीन नोट्स आपके लिए तैयार किया हूं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमारा जो कॉस्ट है पीडीएफ मेकिंग एंड टाइपिंग, वो आप बस 30 रुपए पे करके, आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर पेमेंट कर दीजिएगा और व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहां पर जाकर के आप इस मैप को परचेज करके पढ़ लीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा जाए ऐसी हमारी कामना रहेगी। इसके अलावा वर्ल्ड मैप का भी चाहे आप तो वर्ल्ड मैप भी ले सकते हैं, वर्ल्ड मैप के ऊपर भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपना सीट इस एग्जाम में पक्का जरूर करोगे। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।